में आपको बताते हैं बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का हाल। झारखंड में चुनाव परिणाम के रुझान में बीजेपी की सरकार बनते हुए नहीं दिख रही। वहीं रुझान के अनुसार महागठबंधन का सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों की जीत है और बीजेपी के घमंड का नतीजा है जो सरकार नहीं बन पाई। झारखंड चुनाव परिणाम में बीजेपी सरकार बनाने में असफल दिख रही है, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता अजीत चौधरी ने कहा कि अभी समय है और सरकार हम भी बना सकते हैं। प्रदेश के विकास के लिए कुछ पार्टी को आगे आकर के बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए। पटना में छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं छात्र संघ के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद छात्र नेताओं ने पीयू के कुलपति रास बिहारी सिंह के समक्ष विहेड सीनेट हॉल में शपथ ग्रहण लिया। इस मौके पर सभी छात्र नेताओं के साथ एक साथ उन्होंने शपथ ग्रहण भी किया। सुपौल में CAA और NRC को लेकर सर्वदलीय जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और RJD के पिपरा विधानसभा के विधायक यदुवंश प्रसाद यादव ने हिस्सा लिया। वहीं हजारों की संख्या में लोग भी सभा में शामिल हुए। बेतिया में RK स्टूडियो का उद्घाटन पूर्व विधायक विनय बिहारी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्टूडियो के खुलने से कलाकारों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सारी सुविधा स्टूडियो के माध्यम से कलाकारों को अब वहीं पे प्राप्त होगी। बगहा में एक युवती की संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। लखीसराय में CAA और NRC बिल को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, जिला ट्रक एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने इसके समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर मार्च निकाला। जहां एक तरफ कई जगहों पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कई जगहों पर लोग इस बिल के समर्थन में भी हैं। डेहरी में पुलिस के छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद किया है। बता दें कि गुप्त सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया। वहीं पुलिस को देख धंधेबाज मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गया में बारूदी विस्फोट से एक बच्चे की मौत हो गई। यह मामला गया का है, जहां नक्सली द्वारा बिछाए गए बारूदी सुरंग में विस्फोट से एक बच्ची की जान चली गई। दरअसल यह बारूदी विस्फोटक नक्सलियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाने के लिए बिछाया था। हालांकि काफी खोजबीन के बाद ही बच्ची का शव नहीं मिला है। रोहतास में NRC और CAA को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि जहां देश भर में NRC और CAB को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं इस बिल का समर्थन भी हो रहा है। 3 मिनट की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 1 11। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।